दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ चुप रहने के कुछ फ़ायदे। दोस्तों, यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर आपकी बहुत अधिक ऊर्जा तो यूं ही खर्च हो जाती है, तो यदि आप चुप रहते हैं तो उसकी मदद से आप अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं और उस ऊर्जा को दूसरी जगहों पर लगा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह भी चुप रहने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आपको देखने को मिल सकता है। नंबर दो, यदि आप बाहरी तौर पर चुप रहते हैं तो यह भी एक फ़ायदे का सौदा होता है। कभी शाम के समय अकेले समुद्र या नदी के किनारे बैठ जाएं और अपने अंदर की दुनिया के बारे में सोचें। अंदर की दुनिया के अंदर आप किस तरह के हैं, आपके अंदर क्या समस्या है, आपके बारे में आपको विचार करना चाहिए। और विचार करने का फ़ायदा यह होगा कि आपको खुद को सुधारने में मदद मिलेगी। आपने जो गलतियां की थी उनको बेहतर करने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो चुप रहने का यह भी एक बड़ा फ़ायदा है। नंबर तीन, दोस्तों, यदि आप एकाग्रता के अंदर रहते हैं तो इसका बहुत सारा फायदा होता है। आजकल आपको पता ही है कि तनाव और डिप्रेशन काफ़ी अधिक बढ़ चुका है, तो तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए चुप रहना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। यदि आप तनाव के अंदर जी रहे हैं तो कुछ दिनों में समय को चुने और उनके बाद चुप रहकर देखें, आपको एक अलग ही तरह का अनुभव मिलेगा। यदि आपको यकीन नहीं आता है तो एक बार आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं, यह आपके लिए ठीक रहेगा। नंबर तीन, दोस्तों, यदि हम सारे दिन बकबक करते रहते हैं तो कुछ समय आपको चुप रहकर देखना होगा। और कुछ समय यदि आप चुप रहकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक अच्छी चीज़ है। असल में यह आपके दिमाग को सुकून देने का काम करती है। आपका दिमाग बहुत अधिक काम करता है और काम करने की वजह से आपको उसको भी आराम चाहिए। तो चुप रहने से आपके दिमाग को अच्छा सुकून मिलता है। कई बार दो लोगों के बीच काफ़ी अधिक बहस हो जाती है और बहस हो जाने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन यदि बहस के बीच में आप चुप हो जाते हैं तो यह एक तरह से अच्छी बात है। आप खुद को झगड़े से बचा सकते हैं। जैसे कि आपकी अपनी पत्नी के साथ बहस हो जाती है, अब यदि आप उसके साथ और अधिक बहस करते हैं तो इसकी वजह से आपका झगड़ा और अधिक बढ़ सकता है, इसलिए आपको बहस करने से बचना होगा। जैसे कि हम ऑफिस जाते हैं और काम करके घर आते हैं तो फिर हम कुछ समय के लिए लेट जाते हैं। अब यदि हम चुपचाप लेट जाते हैं तो इसके बाद काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं और ऐसा करने से थकान कम होती है। वहीं यदि आप घर आकर काफ़ी अधिक चिल्लाने लग जाते हैं तो ऐसा करने से थकान कम नहीं होती, वरना परेशानी और बढ़ जाती है। चुप रहने से एकाग्रता के अंदर भी काफ़ी अधिक बढ़ोतरी होती है। मगर याद रखें, चुप रहने का यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, बस आप आराम से बैठे हुए हैं। तो धीरे धीरे आपकी जो एकाग्रता है उसके अंदर सुधार होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। यदि आपको मन को एकाग्र करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो आप धीरे धीरे चुप रहने का अभ्यास करें, आदत विकसित करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें।